देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना। एक बार फिर ध्रुव राठी का वीडियो आया है, रियलिटी ऑफ द मेरा अब्दुल द हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश एजेंडा। इस वीडियो में ध्रुव ने बताया कि जिन हिंदू लड़कियों को मुसलमानों ने मारा है वो सिर्फ एक क्राइम था, उसमें कोई जिहाद नहीं थी, और कुछ ऐसे केसों का उदाहरण दिया जिसमें हिंदू ने हिंदू लड़की को मारा, यानी मामला साफ हो गया। ये लव जिहाद मार काट नहीं, सिर्फ एक एजेंडा है। लोगों को क्या क्या दिखाया जाता है उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। ध्रुव ने जो बताया उसे मुसलमानों ने हाथों हाथ लिया। इसके अलावा फर्जी सेक्युलर गैंग ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन सवाल बना क्या वाकई अब्दुल ऐसा नहीं है। ध्रुव ने फैक्ट के साथ बात की, हम भी फैक्ट के साथ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ध्रुव ने जो फैक्ट छोड़ दिए ये नहीं बताया कि कितने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से प्यार किया, उनसे शादी की और फिर उन लड़कियों के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में फेंक दिए हो या उनका शोषण किया हो। ध्रुव ने एक फैक्ट ये भी छिपा लिया कि वो लड़कियां तो मारी ही गई जिन्होंने प्यार किया, साथ में वो भी मारी गई जिन्होंने प्यार से इनकार किया, वो भी मारी गई जिन्होंने शादी की, और साथ में वो भी मारी गई जिन्होंने शादी से इनकार किया। केवल लड़की ही नहीं, लड़के भी मारे गए जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से प्यार किया। जर्मनी में बैठकर वीडियो बनाना आसान है, जिहाद को प्यार कहना बहुत आसान है, लेकिन उन परिवारों की गलतियां क्या है जो आज बिना बेटी के रह गए? उन लड़कियों की गलती क्या है जिन्होंने अब्दुल पर विश्वास किया और मारी गई? आज गूगल पर उनकी तस्वीर, उनकी खबरें घूम रही है। ध्रुव ने सिर्फ अपना एजेंडा सेट किया कि रियलिटी ऑफ मेरा अब्दुल द हिंदू मुस्लिम ब्रेन वॉश एजेंडा। अब हम बताते हैं आपको कि ध्रुव के अब्दुल की रियलिटी क्या है। आराम से बैठ जाओ, अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूँ अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना। जिस समय ध्रुव का वीडियो रिलीज हुआ ठीक उसी दौरान मध्य प्रदेश के महू में एक 24 साल की हिंदू लड़की का शव फंदे से उतारा जा रहा था। उसकी गलती ये थी कि उसने जुनेद खान नाम के एक युवक से प्यार किया और उसके साथ होटल चली गई, जहां जुनेद उसे फंदे पर लटकाकर फरार हो गया था। कल ये खबर ट्विटर यानी एक्स पर खूब घूम रही थी। यही नहीं, इसी हफ्ते ध्रुव जब अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा होगा ठीक उसी समय कर्नाटक के हुबली में एक कॉलेज परिसर में कांग्रेस के पार्षद की बेटी नेहा की क्लास में पढ़ने वाले फैयाज ने सरेआम स्कूल परिसर में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी, और हत्या इस कारण की क्योंकि नेहा ने फैयाज का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हम ध्रुव से पूछना चाहते हैं, अगर कोई रुखसाना सबीना मोमिना फैयाज का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा देती तो क्या फैयाज उसका भी यही हाल करता? आखिर क्यों किसी फैयाज अब्दुल का प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से कोई रूबी का अर्पण नहीं मारी जाती? मारी जाती है तो कोई नेहा, कोई साक्षी। साक्षी से याद आया, पिछले साल मई में दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में साहिल द्वारा नाबालिग किशोरी साक्षी की 20 बार चाकू के वार से हत्या की, उसके सिर को कुचला, कारण साक्षी ने साहिल खान का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ठीक इसी दौरान सरदा वाकर के 35 टुकड़े हुए थे, सरदा ने आफ्ताब का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, लिव इन में रहना स्वीकार कर लिया था, किंतु फिर भी सरदा वाकर की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसके शरीर के अंगों को फ्रिज में रख दिया। ध्रुव कह रहा है कि ये सिर्फ एक खबर थी, क्राइम था, और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी, ये तो होता रहता है। लेकिन ये एक या दो हादसे नहीं है, इससे पहले भी देश की राजधानी के देवली रोड स्थित कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली 16 साल की हिंदू लड़की को अरमान अली ने 25 अगस्त 2022 को स्कूल से लौटने के दौरान गोली मार दी थी। कारण वही सेम था कि लड़की ने उसका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। फरवरी 2021 दिल्ली से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जहाँ शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक 17 साल की लड़की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी लईक खान उर्फ सफी खान लगातार शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। जुम्मे की नमाज के वक्त लईक खान ने लड़की पर हथौड़ों से बार बार वार किए, लड़की मारी गई, जबकि मर्तका लड़की आरोपी लईक खान को घर में आने पर भाई बोलती थी।
नवंबर 2019 दिल्ली में एक और 18 साल की हिंदू लड़की की हत्या की गई। कारण उसने लुकमान का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। लुकमान और उसके भाइयों अरमान शमशाद ने इन सबके बीच लड़की को लेकर लड़ाई हुई और फिर उसे एक सूट केस में भर दिया गया। केवल दिल्ली नहीं, हर जगह यही हुआ। मई 2023 यूपी के शाहजहाँपुर में प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करने, साथ रहने और गर्भवती तक होने के बाद भी सीमा गौतम के उसके लिव इन पार्टनर मोहम्मद नावेद ने मार डाला था। फरवरी 2023 यूपी के कौशाम्बी में एक विधवा महिला चंदा सिंह, दो बेटियों की मां से आरिफ हुसैन ने गुड्डू सिंह बनकर दोस्ती और प्यार का नाटक किया। जब चंदा सिंह उसके जाल में फंस गई तो उस पर नमाज पढ़ने का दबाव डालने लगा। नतीजा, नमाज पढ़ने से मना करने पर आरिफ हुसैन ने चंदा का गला दबाकर हत्या कर दी। क्या कभी आपने खबर सुनी है कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से प्यार किया, बाद में चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी हो या उसे पूजा ना करने पर मौत की घाट उतार दिया हो? दुरु के अकॉर्डिंग अगर दो साधु की हत्या में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, तो इन हिंदू लड़कियों की हत्या में कौन सी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है? फरवरी 2022 आगरा में वर्षा रघुवंशी ने घर वालों से ऊपर जाकर फहीम कुरैशी से प्यार किया। यहाँ तक शादी भी की, लेकिन फहीम की नज़र में काफिर की औलाद बनी रही। उसके सामने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता था। पति फहीम कुरैशी और ससुराल वाले वर्षा की पिटाई भी करते थे। दहेज उत्पीड़न जैसी गालियों ने आखिरकार वर्षा रघुवंशी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। जनवरी 2023 बुलंदशहर में साकिर ने सुशीलावती से प्रेम का नाटक किया और फिर फैज के साथ मिलकर सुशीलावती की हत्या कर दी और उसका घर तक हड़प लिया। सितंबर 2022 लखीमपुर खीरी में जुनेद, सोहेल, आरिफ, हफीज, छोटे करीमुद्दीन ने दो नाबालिग बहनों के साथ पहले बलात्कार किया और फिर बाद में उनकी हत्या कर दी। कभी सुना है कि जुनेद, सोहेल, आरिफ, हफीज ने मिलकर किसी साइमा, रुखसाना, मोमिना का रेप करके हत्या की हो? किंतु नवंबर 2022 मोहम्मद सूफियान ने 19 साल की निधि को एक अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से धक्का दे दिया था, क्योंकि वो मोहम्मद सूफियान से प्रेम तो करती थी किंतु उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 2023 लखीमपुर खीरी में उमा शर्मा ने वसी अहमद से प्यार किया, उसके लिए आरफा फातिमा भी बन गई, किंतु जन्नत का लालच ऐसा था कि फिर भी वसी अहमद ने उमा शर्मा को बिजली के झटके दे देकर हत्या कर दी। रिपोर्ट बताती है कि हत्या के बाद भी उसके सिर पर 5 मिनट तक झटके दिए गए। क्या ध्रुव बता सकता है कि ये ज्ञान उसे कौन सी यूनिवर्सिटी से मिला था? सितंबर 2021 में बिजनौर में राष्ट्रीय स्तर की खो खो खिलाड़ी 24 साल की बबली रानी पर एक मजदूर शहजाद का दिल आ गया। बबली को पता तक नहीं था, लेकिन शहजाद ने मौका पाकर उस पर झपट पड़ा। बलात्कार के प्रयास का विरोध करने पर शहजाद ने बबली रानी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2021 बरेली में पहले शादीशुदा, कई बच्चों का बाप इकबाल डॉक्टर राजू बनकर एक हिंदू महिला निशा से मिला। दोस्ती की, प्यार किया, फिर शादी की। इकबाल ने निशा पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। निशा ने इनकार कर दिया तो उसकी भी हत्या हो गई। साल 2019 साकिब एकता से हिंदू बनकर मिला। एकता ने भी दिल से प्यार किया। घर से 15 लाख रुपये लेकर साकिब के साथ भागकर मेरठ आ गई, लेकिन साकिब और उसके परिवार ने एकता के टुकड़े टुकड़े करके खेत में गाड़ दिया। इससे प्रतीत होता है कि मरना पड़ेगा, चाहे प्यार करे या इनकार करे, शादी करे या इनकार करे। जून 2020 में नैना कौर की शादी थी। गाजियाबाद में अपने माता पिता के साथ खरीदारी के दौरान शाहरुख खान और शेहरुख खान ने बीच बाजार में नैना कौर को 10 बार चाकू मारा, क्योंकि वो नैना को पसंद करता था, उससे निकाह करना चाहता था। नैना ने उसे इनकार कर दिया था। निकाह से मना करने पर कितने अब्दुल, कितने शाहरुख, कितनी फरजाना मोमिना का कत्ल करते हैं, सुना है कभी आपने? जुलाई 2020 मेरठ की घटना है। एक हिंदू महिला प्रिया रानी एक बेटी की माँ भी थी। फेसबुक पर अमित गुज्जर नाम का एक लड़का मिला, दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर नेहा को पता चला कि ये तो मोहम्मद शमशाद है। उसने एतराज़ जताया तो मोहम्मद शमशाद ने प्रिया और उसकी छोटी सी बेटी को हत्या कर दी और उनके शव को अपने ड्राइंग रूम में ही दफना दिया था। जुलाई 2020 की दूसरी घटना यूपी के सोनभद्र में प्रिया सोनी ने एजाज अहमद के प्रेम में फंसकर शादी तक कर ली। शादी के बाद एजाज अहमद के अंदर सेक्युलरिज्म समाप्त होकर उसका मजहब जाग उठा, जिसकी दुआई देकर शादी की थी। प्रिया सोनी पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा। प्रिया सोनी ने इनकार कर दिया तो अहमद ने अपने दोस्त की मदद से बेरहमी से प्रिया की हत्या कर दी।
आखिर ध्रुव राठी जरूर बताए कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश अगर व्हाट्सएप से होता है तो इन अब्दुल का ब्रेन वॉश कौन करता है। क्योंकि मामले यहाँ नहीं रुकते। सितंबर 2020 में यूपी के बदायूं में आसिफ जिसने राजकुमार नाम से नेहा से शादी की थी, शादी के बाद जब नेहा को उसकी असली पहचान का पता चला उसने विरोध किया तो आसिफ ने उसकी हत्या कर दी थी। यूपी में ही अक्टूबर 2019 नदीम खान जिसकी पहले से दो शादी हो चुकी थी उसने सीमा सोनी से अपनी पहचान छुपाकर शादी की। जब सीमा को नदीम की सच्चाई का पता चला सीमा ने विरोध किया तो सीमा सोनी की गला रेत कर हत्या कर दी। इससे पहले प्रयागराज में हिना तलरेजा ने अदनान खान से शादी की थी। जब हिना तलरेजा गर्भवती थी अदनान खान ने उसके साथ अपने दोस्तों से सामूहिक बलात्कार कराया और फिर सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अलावा ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जीवित ना रहे उसने चाकू से उसका गला काट दिया था। शायद ये जन्नत के टिकट की बुकिंग रही होगी। हत्या का कारण इतना था कि अदनान खान पहले से शादीशुदा था, हिना को ये पसंद नहीं था। ये केवल दिल्ली यूपी की बात नहीं है। जनवरी 2023 धारावी में यशोदा ने रेहान खान से प्यार किया, उसकी खातिर रूबीना खान बन गई। अब उससे वेश्यावृत्ति कराने का दबाव डालने लगा, मारता पीटता था। अंत में एक दिन तंग आकर यशोदा छत से लटकी पाई गई। मई 2022 में मुंबई के गोरेगांव वेस्ट में 18 साल की सोनम शुक्ला नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। नज़दीक में एक बेकरी मालिक मोहम्मद अंसारी का उस पर दिल आ गया। सोनम शुक्ला ने उसका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया। बस मोहम्मद अंसारी ने केबल के तार से पहले तो सोनम का गला घोटा और बाद में उसके हाथ पैर बांधकर उसके शरीर को एक बोरे में भर दिया और इसके बाद अपने स्कूटर से कहीं नदी नाले में फेंक दिया। ध्रुव राठी जरूर बताया, आखिर 23 साल के मोहम्मद अंसारी को ज्ञान कहाँ से मिला था, किस यूनिवर्सिटी से मिला था या किस किताब से मिला था? क्या उसने कभी किसी फाइमा जाहिदा को भी ऐसे मारकर फेंका है? सितंबर 2022 मुंबई के चेंबूर में 20 साल की रूपाली ने मोहम्मद इकबाल शेख से शादी की, लेकिन शादी के बाद उसने इस्लामिक मजहबी परंपराएं नमाज आदि पढ़ने से मना कर दिया। मोहम्मद इकबाल शेख ने रूपाली चंदन शिव की गला रेत कर हत्या कर दी। इसके अगले महीने नवी मुंबई में उर्वी वैष्णव ने जिम ट्रेनर रियाज खान का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लिव इन में भी रहने लगी, लेकिन फिर भी रियाज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा एक नहीं बहुत सारे मामले हैं। बेहद खूबसूरत मॉडल मानसी दीक्षित का मामला है। मानसी ने फोटोग्राफर सैयद मुजम्मिल से फोटो शूट कराए थे। एक दिन सैयद मुजम्मिल ने उसे शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया। मानसी ने उसे होश में रहने की हिदायत दे दी। बस सैयद ने उसके सिर पर स्टूल से वार किया और गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। शायद ध्रुव जानता होगा कि सैयद मुजम्मिल का ब्रेन वॉश किसने किया होगा, किस यूनिवर्सिटी ने उसे सिखाया होगा कि काफिर का कत्ल ऐसे करना है। क्योंकि राज्य बदलते हैं, हत्या की मानसिकता नहीं। अक्टूबर 2022 पश्चिम बंगाल में नाबालिग लड़की रूबी कुमारी पर शेख राजा का दिल आ गया। रूबी ने इनकार कर दिया। बस शेख ने पहले तो उसकी हत्या की और फिर शव सेराफुल्ली रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। बंगाल में शुभलोगना चक्रवर्ती से शेख सुल्तान हिंदू बनकर मिला, प्रेम का नाटक हुआ, बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन लड़की के माता पिता को सुल्तान की असली पहचान का पता चल गया। उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। शुभलोगना चक्रवर्ती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कितने मामले गिनाए, शायद घंटा दो घंटा बीत जाएगा। झारखंड की ममता देवी की अरमान खान द्वारा हत्या या दुमका में शाहरुख द्वारा अंकिता के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देना, सिर्फ इस कारण कि अंकिता ने शाहरुख खान का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया था। लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया कोई बताए उनका क्या हुआ, उनका भी यही हाल हुआ। सितंबर 2022 झारखंड के दुमका में एक मजदूर अरमान अंसारी एक गरीब वनवासी बच्ची का यौन शोषण करता रहा। जब बच्ची गर्भवती हो गई तो उसकी हत्या करके उसका शव पेड़ से लटका दिया। अगले महीने दिसंबर 2022 साहेबगंज के बोरियो संथाली गांव में 22 साल की रूबी का की दिलदार अंसारी उसके परिवार द्वारा हत्या कर दी गई। कबाड़ी का काम करने वाले अंसारी पहले से एक मुस्लिम महिला गुलेरा से शादी कर चुका था। उसने सिंगल होने का नाटक किया। जब रूबी का मान गई तो उसने पहले उससे शादी की और बाद में उसकी हत्या। इससे थोड़े दिन पहले ही अक्टूबर 2022 झारखंड के सिमडेगा में चांद अंसारी उसके दोस्तों द्वारा एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी। केवल अनपढ़ जाहिल की बात नहीं है, नवंबर 2017 में पेशे से डॉक्टर मिर्जा रफीकुल हक ने चैनिका कुमारी के सामने प्रेम और निकाह का प्रस्ताव रखा। चैनिका कुमारी ने इस्लाम कबूल करने और उससे शादी करने से इनकार कर दिया। बस चैनिका की हत्या करने के बाद हक ने उसके शरीर को एक सूटकेस में भरकर फेंक दिया।
उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अबरार अहमद गला काट कर नेहा की हत्या कर देता है। यह हरियाणा में तनिष्का शर्मा की गलती क्या थी कि शादी के साथ फेरे लेकर अपने पति के साथ ससुराल रवाना हुई थी, पर दुल्हन तनिष्का शर्मा को मोहम्मद साहिल ने गोलियों से भून दिया। जबरदस्ती प्रेम प्रस्ताव लेकर शिवानी खोबियान को उसके पड़ोसी आरिफ खान ने मार डाला। शिवानी के परिवार ने 3 साल पहले आरिफ के खिलाफ शिकायत की थी शिवानी का पीछा करने के लिए, तब उसने माफ़ी मांग ली। इसके अलावा एक और घटना है, शिवानी टिकटॉक पर बहुत फेमस थी, वो सैलून गई थी, सैलून आरिफ का था, आरिफ ने प्रेम प्रस्ताव दिया, शिवानी ने ठुकरा दिया, बस आरिफ ने उसकी वहीं हत्या की और लाश सैलून में छिपा दी। अक्टूबर 2020 फरीदाबाद तौफीक ने बीकॉम की अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता तोमर को प्रेम प्रस्ताव दिया, उसने ठुकरा दिया, बस तौफीक ने बीच सड़क पर ही गोली मारकर निकिता की हत्या कर दी। राज्य बदलते रहे, घटनाएं वही रही, मानसिकता वही रही। मार्च 2022 अजमेर 17 साल की नाबालिग हिंदू लड़की से अरशद खान ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती के मैसेज किए, लड़की ने इनकार कर दिया। अरशद खान और उसके 3 साथियों ने पहले उस लड़की का बलात्कार किया और फिर गला रेत कर हत्या कर दी। किसी ने इनकार किया तो मरी, किसी ने हाँ किया तो मरी। कोटा राजस्थान में 26 साल की अंतिमा शेखावत ने इमरान को हाँ किया, धर्म परिवर्तन भी किया, अंतिमा रिजवाना भी बन गई, किंतु इमरान ने उसे पहले बेच दिया, जिसम भरोसी कराई और अंत में मार डाला। ध्रुव जरूर बताए कितने इमरान या अब्दुल ऐसे हैं जो निकाह के बाद किसी अफसाना से धंधा कराकर मार देते हैं। इन्हें काफिर का ही अंत करना है तो इनका ब्रेन वॉश कौन करता है। अप्रैल 2022 हिमाचल प्रदेश 15 साल की प्राची राणा के घर आसिफ मोहम्मद अखबार लेकर आता था। एक दिन वो बिल लेकर आया तो उसने देखा प्राची घर में अकेली थी, उसने उसे प्रपोज किया, प्राची ने इनकार कर दिया, बस उसका गला दबाकर हत्या करके मौके से फरार हो गया। दिसंबर 2022 कोरबा 21 साल की नील कुसुम ईसाई लड़की थी, शहबाज ने प्रेम प्रस्ताव दिया, नील कुसुम ने इनकार कर दिया, शहबाज ने नील कुसुम की पेचकस से 51 बार गोद कर हत्या की। नवंबर 2019 जांजागीर चंपा के इलाके में नवागढ़ कस्बे में अनवर ने सुनीता कुशवाहा नाम की एक महिला की निर्मम हत्या कर दी थी, महिला के शव पर पेट्रोल डाला और फिर उसमें आग लगा दी। जून 2021 असम के कोकराझार जिले में मुजम्मिल शेख नबीबुल शेख फारूक रहमान ने 2 नाबालिग आदिवासी लड़कियों का रेप किया और फिर उनकी लाश को पेड़ से लटका दिया। ध्रुव बताए नफरत कौन फैला रहा है, आखिर ये ब्रेन वॉश कौन कर रहा है। जुलाई 2021 नीलम अहिरवार तालिब से निकाह के बाद अफरोज बेगम भी बन गई थी, लेकिन अफरोज ने उसे मौत दी। जुलाई 2021 में 21 साल की कशिश परमार की लाश भोपाल के खजूरी इलाके में एक नाले की बोरी में मिली थी। कशिश 33 साल के अख्तर अली से मिलने चली गई थी, जिसने जन्नत के लालच में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। 8 फरवरी 2023 को कटिहार की एक पुलिस कांस्टेबल प्रभा भारती की मोहम्मद हसन उर्फ अरशद नामक व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि प्रभा ने उस अब्दुल से शादी करने से इनकार कर दिया था। दिसंबर 2022 भागलपुर में दिन दहाड़े नीलम यादव की हत्या हो, जिसे शेख शकील मियां ने मोहम्मद जुदीन ने मिलकर किया हो। दोनों लोगों ने पहले नीलम की पीठ और सिर पर बेरहमी से वार किए, जब वो नीचे गिर गई इसके बाद उसके हाथ कान और स्तन काट दिए, उसकी आंखें तक फोड़ दी। कितनी खबरें शायद हम पूरी ना बता पाए, घंटा 2 घंटा बीत जाए। 10 जनवरी 2020 को मोहम्मद साहिद ने तेलंगाना के वारंगल जिले के हनुमनकोंडा में बेवफाई के संदेह में अपनी प्रेमिका मुनी गलाहर्ती की ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं कि सब लड़की ही मारी गई, लड़के भी मारे गए। मध्य प्रदेश के खंडवा में हिंदू लड़के को मुस्लिम लड़की से प्यार करने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दिल्ली के ख्याला इलाके में अंकित सक्सेना की हत्या का कारण ये था कि उसने मुस्लिम लड़की से प्यार किया और उसके परिवार ने उसका गला रेत दिया। ध्रुव जरूर बताए आखिर इन्हें किन यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है, हम कब तक ध्रुव या रवीश जैसे लोगों को प्रूफ देते रहेंगे, उससे फ़र्क क्या पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने मान रखा है कि लव जिहाद या ऐसे क्राइम सब फेक न्यूज है। जब तक रवीश अभिसार राठी के घर में कोई अब्दुल नहीं घुसेगा, ये खतरा नहीं पहुंचेगा, तब तक उनके लिए मजाक ही रहेगा। जैसे रवीश कुमार हर वीडियो में बोलता है ना कि आज ये सड़क पर है कल आपके घर में होंगे, बस हम भी यही कहते हैं कि अब्दुल आज सड़क पर है कल किसी राठी रवीश के घर में ज़रूर होंगे।